नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के लिए दीपावली से पहले ये हमारी अंतिम क्लास, ठीक है ना बच्चों? तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा हमारी जो 7.2 एक्सरसाइज चल रही थी, 7.2 निकालिए, पेज नंबर 153, सवाल नंबर 4 तक हम पिछली क्लास में ले चुके थे और अब हम सवाल नंबर 5 देख रहे हैं। इसमें ये एबीसी एक फिगर दिख रहा है और इधर डी और इधर ई, डी और ई, ए बी ए सी, इधर डी और ई। अब सवाल बोल के बता रहे हैं, ए बी बराबर ए सी दिया है आप लोगों को, ए बी बराबर ए सी और बीई बराबर सी डी, बीई बी से ई तक और सी से डी तक वो बराबर दिया है। सिद्ध करना है ए डी बराबर ए ई, तो दिया है हमें, हम लिख लेते हैं ए बी बराबर ए सी एवं बीई बराबर सी डी, ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है बच्चों, वो भी समझ लीजिए। यस, सिद्ध करना है ए डी बराबर ए ई, इसमें कोई रचना नहीं करनी, पहले समझ लीजिए इसको। यहां पे उपपत्ति के पदों में हम पहले ये जो बाहर वाले जो त्रिभुज है ना, इनको सर्वांगसम सिद्ध करना चाहेंगे बच्चों। तो केवल ये भुजा हमारे पास में बराबर है और इस वजह से दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज होने की वजह से कोण बी कोण सी के बराबर हम लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है बच्चों? अब ध्यान दीजिए, पहले हमें जो दिया गया है बीई बराबर सी डी, इसमें से डीई हमने दोनों तरफ से घटा दिया, डीई दोनों तरफ से माइनस कर दिया, बीई माइनस डीई और इधर से सी डी में से भी डीई माइनस किया, तो इधर क्या हुआ, बीई में से डीई घटा तो बीडी बचा और इधर सी डी में से डीई गया तो ईसी बच गया, या सीई भी लिख सकते हैं। यह समीकरण नंबर 1, इसकी कमी पड़ रही थी सर्वांग समता के लिए, उतार लीजिए यहां तक। तो आप लोग यस बच्चों, तो इसकी कमी पड़ रही थी। अब ये भुजा हमने समीकरण 1 से बराबर कर ली, ये कोण समद्विबाहु त्रिभुज की वजह से बराबर बोल सकते हैं और ये भुजा बराबर हमें दी गई है, तो हमारी तीन चीजें आपस में बराबर नजर आ रही हैं। तो अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए जा सकते हैं। क्या करना चाह रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज एक एबीडी हो गया और दूसरा त्रिभुज एसीई में, एसीई में क्या क्या तीन चीजें बराबर है, एबी बराबर एसी दिया है, यह भुजा हमने बराबर अभी अभी सिद्ध की, बीडी बराबर सीई, यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 से। और तीसरी चीज यहां पे कोण बी बराबर कोण सी, समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज होने की वजह से ये दो कोण बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के सामने के जो भुजाएं होती है समान भुजाओं के, वो कोण समान भुजाओं के सामने के कोण, हल्का सा संकेत आप दे सकते हैं, समान भुजाओं के कारण
इतना सा हिंट इसका पर्याप्त है। अब हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम, त्रिभुज ए सी ई, किस वजह से हुए ये सर्वांग सम? नियम लगा यहां पे एस ए एस, साइड एंगल साइड, एस ए एस नियम से। और जब इस नियम से ये सर्वांग सम हो गया ना बच्चों, तो बची खुची चीजें तो बराबर होगी। तो हमें जो सिद्ध करना है वो अब हम लिख सकते हैं कि एडी बराबर होगी एई के, सीपीसीटी सीपीसीटी, और यही हमें सिद्ध करना था। जो सिद्ध करना है वो हमारा लास्ट में आ जाना चाहिए। तो पहले हमें जो दिया गया था वो लिखा, सिद्ध करना है वो लिखा, रचना हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इन बाहर वाले त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए ये भुजा इसके बराबर सिद्ध करनी थी, जबकि दी गई थी बीई और सीडी, तो हमने उसमें से घटा दिया, दोनों पक्षों में से घटा सकते हैं तब भी वो बराबर होते हैं। इससे हमने समीकरण एक निकाला और ये आप लोगों की नजरों के सामने हमने इनको सर्वांगसम सिद्ध किया, इससे एडी बराबर ए आ गया। पांचवा सवाल उतार लीजिए जल्दी से आप लोग। लोगों ने उतार लिया होगा। छठे सवाल की हम तैयारी करते हैं। सवाल है, एक वर्ग एबीसीडी की भुजाओं एडी एवं बीसी पर क्रमशः ई एवं एफ दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एएफ बराबर क्या हो बीई, तो सिद्ध कीजिए। दो चीजें हमें बराबर सिद्ध करनी है, तो आइए पहले हम इसमें वर्ग का चित्र बनाएं। सवाल नंबर छह, यस, इसमें वर्ग बनाना है हमें। यस बच्चों, नाम आप अपने इच्छा से लिख सकते हैं, इसमें एबीसीडी दिया गया है लेकिन कहीं से भी ए स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहां से कर रहे हैं ए बी सी डी। हमें कहा गया है कि एबीसीडी की बजाय एडी पर तो ई है, ये जो एडी है इस पे कहीं ई लेना है हमें, मान लीजिए ये ई लिया, और बीसी पर एफ है, बीसी पर एफ मान लीजिए यहां लिया हमने एफ। अब हमसे कहा जा रहा है दो बिंदु इस प्रकार है कि AF बराबर BE हो, ये AF BE के बराबर है, हमें दिया गया है, और फिर दो पार्ट हमें सिद्ध करने हैं। यस, देखिए जरा कि इसमें क्या क्या बराबर हैं। AB AF AF ये पूरा इधर जो डायगनल जा रहा है ये पूरा इसके बराबर है, पूरे के बराबर। और हमारे को जो सिद्ध करना है वो देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें दिया है हमें और सिद्ध करना है। ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग की जो विशेषताएं हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और इसमें हमें कहा गया है AF बराबर BE,
AD पे E बिंदु और B C पे F बिंदु दिया है और ये बराबर है। हमें जो सिद्ध करना है वो दो पार्ट में सिद्ध करना है, कोण BAF बराबर कोण ABE, और जो सेकंड पार्ट है वो है BF बराबर AE, BF बराबर AE, और फर्स्ट पार्ट है BAF, BAF इधर वाला जो कोण है वो इसके बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमारे को तीन चीजें बराबर सिद्ध करनी पड़ेगी। दोनों त्रिभुज जो यहां AB पे बनते हुए आपको दिख रहे हैं, उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। तो पहले ये 90 डिग्री हम कभी भी बता सकते हैं क्योंकि वर्ग दिया है। ठीक है, ये विकर्ण इसने यानी कि जो इसमें कर्ण बन रहा है, विकर्ण नहीं बोलिए, इन दोनों त्रिभुजों के जो कर्ण है समकोण त्रिभुज होने की वजह से वो बराबर दिया हुआ है, और AB भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसलिए ये RHS नियम यहां लग गया। RHS यानी कि समकोण कर्ण भुजा नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम होते ही CPCT से दोनों चीजें निकल के आ जाएगी। कैसे समझिए, रचना की कोई जरूरत ही नहीं है, उपपत्ति हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। डायरेक्ट त्रिभुज आप लिख सकते हैं EAB, त्रिभुज EAB, ध्यान से EAB तथा त्रिभुज FBA में क्या क्या तीन बातें बराबर है, एक तो कर्ण हमें दिया गया है BE बराबर AF या AF बराबर BE, तो हम पहले BE वाला लिख रहे हैं, BE बराबर AF हम नहीं कह रहे, दिया है, और ये जो कोण है इसका EAB बराबर कोण FBA के, FBA प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण 90 डिग्री ईच। और तीसरी चीज हमने आपको बताई AB, अब बच्चों ये भी ध्यान रख लिया करो, AB सेकंड एंड थर्ड, यहां सेकंड और थर्ड BA है, ये लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अभी से आप थोड़ी सी आदत बना के चलिए नाइन्थ से। AB बराबर BA उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, इसलिए त्रिभुज EAB सर्वांगसम, त्रिभुज FBA, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, इनके संगति नाम होने चाहिए, वो अगर इस जगह पे भी संगत लिख लो ना तो बाद में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नियम कौन सा लगा, RHS नियम से, ठीक है ना बच्चों, और जब ये सर्वांगसम घोषित हो चुके, सर्वांगसम घोषित हो चुके तो बचे हुई चीजें आपस में बराबर होंगी, तो अब हम दोनों चीजें लिख सकते हैं बराबर ये CPCT उधर ब्रैकेट में डाल देंगे। इसके बाद में हम इधर लिख रहे हैं, अतः वो कोण की बात ले लीजिए, कोण BAF बराबर कोण ABE, ABE, BAF, BAF बराबर ABE, CPCT संगत कोण भी आप लिख सकते हैं, संगत कोण सर्वांग सम त्रिभुजों के, तो पहली चीज बराबर हो गई, तथा दूसरी चीज में क्या लिखेंगे, BF बराबर AE, ये भी CPCT से, दोनों CPCT से सिद्ध हो गए क्योंकि हमने पहले सर्वांग सम सिद्ध घोषित किया, BF, BF सेकंड एंड फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट AE के बराबर हो गया, तो संगत को यूं पहचाना जा सकता है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड के बराबर, यही सिद्ध करना था, पहले इसको उतार लीजिए फिर इसको उतार लीजिए। सवाल नंबर कौन सा था, 6,
कौन सी का? 7.2 का, उतारिए जल्दी से। उतारने में ध्यान दीजिए बच्चों आप लोग, छठे के बाद में सातवां सवाल आसान सवाल है, जल्दी हो जाएगा, अंतराल की जरूरत उसके बाद में पड़ेगी। पहले सातवां सवाल समझते हैं हम। एक रेखाखंड एबी पर एडी और बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड है, बराबर भी है और परपेंडिकुलर यानी कि लंब भी है। दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड एबी को समद्विभाजित करती है। सीडी किसको? एबी को समद्विभाजित करता है, यह हमें सिद्ध करना है। तो आइए पहले हम इसका भी चित्र बनाएं, और इसमें तो चित्र दिया हुआ है बच्चों, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। सवाल नंबर 7 के लिए, और बच्चों इस दौरान थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लेना आप छुट्टियों में, पुरानी एक्सरसाइज को दोहरा लेना, क्योंकि अब अर्धवार्षिक आने वाली है आप लोगों की। यस बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो डायग्राम हमें दिया गया था वो हमने बना लिया। अब क्या क्या दिया है वो देखे जरा। एक तो यहां पे 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री क्योंकि लंब बोला है, और एक ये भुजा इसके बराबर है। नाम क्या है? बी सी ओ ए डी। तो अब आप लोग दिया है में तो लिख ही देंगे, ए बी ए डी, ए बी पर इसको मिटा दें पहले वाले पार्ट को, तो आप समझ जाएंगे कि क्या लिखना है, क्या सिद्ध करना है। देखिए सवाल नंबर 7 के लिए दिया है ए बी पर ए डी और बी सी, यानी ए डी बराबर बी सी दिया है। एक तो ये दिया है मैं आ गया, और ये कोण बी और कोण ए 90 डिग्री है। कोण बी 90 डिग्री और कोण ए 90 डिग्री, ये भी दिया है, ठीक है। और हमारे को जो सिद्ध करना है वो करना है एक तरह से OA बराबर OB, ये सिद्ध करना है कि ये जो लाइन है ये AB को दो बराबर भागों में बांट के जा रही है। तो इसके लिए बच्चों इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग सम सिद्ध करने में कामयाब हो गए तो CPCT से हम OA बराबर OB लिख सकते हैं। तो इसमें आइए जरा, ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, और ये कोण इसके बराबर तो हम कभी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। बस तो यहां पे नियम कौन सा लगा? ए ए एस नियम, कोण कोण भुजा नियम। तो कैसे करेंगे उपपत्ति समझिए, ध्यान दीजिए। कोई सभी त्रिभुज ले लीजिए, पहले OA वाली चीज लेनी है तो पहले ये वाला त्रिभुज ले लीजिए OAD तथा त्रिभुज OBC में क्या क्या तीन चीजें बराबर हैं? आइए देखें, AD बराबर BC, हम नहीं कह रहे दिया है, ठीक है ना। और कोण A बराबर कोण बी प्रत्येक 90 डिग्री। कुछ बच्चों का कहना है कि सर यहां पे दिया है लिख सकते हैं? अरे हां लिख सकते हो, उससे बढ़िया यह है कि प्रत्येक 90 डिग्री,
अब क्या किया, शीर्ष अभिमुख कोण, तो यहां पे इसका नाम एओडी बराबर और इसका नाम बीओसी, बीओसी कारण शीर्ष अभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, अब जब ये शीर्ष अभिमुख बराबर हो गए, ये बराबर हो गया, अब हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम, त्रिभुज ओ बी सी, और जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो सीपी और नियम भी तो लिख दो ना बच्चों, आर एच एस नियम से, बस अब वो सीपीसीटी वाली बात निकल के आ जाएगी। अतः OA बराबर OB, और आप इसको उस भाषा में भी लिख सकते हो, अतः हम कह सकते हैं कि CD AB को समद्विभाजित करती है, उस भाषा में भी लिख सकते हो, यही सिद्ध करना था बच्चों, इति सिद्धम। यस उतारिए जरा, ये था सवाल नंबर 7, एक दो मिनट का कीमती वक्त हम आपको दे रहे हैं अंतराल से पहले, उतारिए जल्दी। यस बच्चों, उतारने में ध्यान रखिएगा आप लोग, एक बार फिर से हम याद दिला दें, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते ही OA बराबर OB हम लिख पाएंगे। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन चीजें हमें बराबर करनी होती है, ये कोण इसके बराबर प्रत्येक 90 डिग्री, ये भुजा इसके बराबर दिया गया है, और ये वर्टिकली अपोजिट शीर्ष अभिमुख कोण। अतः हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, और सर्वांग सम होते ही OA बराबर OB हो गया। ये सवाल नंबर 7 था, 7.2 का। मिलते हैं बच्चों एक दो मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है बच्चों, सवाल नंबर 8 लेके हाजिर हैं हम। पहले सवाल बोल दे जरा कि AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज को कोणों B और C को समद्विभाजक जो है ना दोनों के O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मिलते हैं O पर, BO को M तक बढ़ाया जाता है, आपको सिद्ध करना है कोण MOC बराबर कोण ABC। आइए पहले हम चित्र बनाएं बच्चों, क्या है इसमें ध्यान दीजिए। यस, समद्विबाहु चित्र बनाने के लिए ये हमारे लिए एक सहायक सामग्री का काम कर रहा है। ठीक है, इसमें दोनों कोण बराबर होते हैं बच्चों, ये दिया रहता है आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में। यस, AB बराबर AC दिया गया है, और अब
कोण बी और कोण सी, इनके समद्विभाजक ओ पे मिल रहे हैं। ये इसका समद्विभाजक और ये इसका समद्विभाजक कहां मिल रहे हैं? ओ पर। साथ ही साथ एक बात और कही है कि हमने बीओ को एक बिंदु एम तक बढ़ाया जाता है, एम तक बढ़ा दिया बीओ को, ये आप लोगों की नजरों के सामने हमने भी बढ़ा दिया। यस, एम हम उस एसी पे ही ले जाते हैं बच्चों, एम को बीच में नहीं छोड़ रहे हम, ठीक है। हमसे क्या कहा गया है ये समझ लीजिए कि यहां पे एमओसी कोण, एमओसी ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है? एबीसी के, एबीसी के बराबर है, इस पूरे कोण के बराबर है। ये सिद्ध करना है ये कोण इस पूरे कोण के बराबर है। तो बच्चों क्लियरली समझ आ रहा है कि हमारे को पहले तो दिया क्या है, ए बी बराबर ए सी, और ये कोणों के समद्विभाजक हैं, ओ बी और ओ सी कोण बी और सी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, कोण बी एवं कोण सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक कहां मिलते हैं? ओ पर मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं। यस, अब हमें जो सिद्ध करना है बच्चों वो क्या सिद्ध करना है कि कोण एमओसी बराबर कोण एबीसी। ये बढ़ाने की बात हमने इसमें नहीं लिखी, ठीक है, जरूरत भी नहीं है, वो चित्र में दिख रहा है। अब हम उपपत्ति ले रहे हैं बच्चों, इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर 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 ध्यान दो बच्चों आप लोग, क्या करते हैं कि यहां पे ये कोण, पूरा कोण हमने एक्स मान लिया, तो ये भी एक्स हुआ, पहले रफली समझ लो आप लोग, ये पूरा एक्स है, पूरा एक्स है, और जब ये समद्विभाजक है तो ये एक्स बटे दो हो गया, और ये ओ बी इसका समद्विभाजक है बी का, और इधर ओ सी सी का समद्विभाजक है, तो एक्स बटे दो। अरे मैं नहीं कह रहा, सवाल में लिखा है समद्विभाजक है। अब ये बच्चों हम जानते हैं किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण वो उसके अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है किसी भी त्रिभुज में। इधर इधर समझने के लिए हम इधर बता रहे हैं कि ये जो त्रिभुज का बहिष्कोण है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण ये इसके और इसके योग के बराबर है। अगर ये 30 डिग्री या 40 डिग्री तो ये निश्चित रूप से 70 डिग्री होगा, अगर ये 70 और ये 80 तो ये 150 के आसपास दिख रहा है, ये ध्यान रखिए। और इधर ऐसे भी समझ सकते हैं आप, यहां ये बहिष्कोण है तो ये इन दोनों के योग के बराबर है, ध्यान रखना। इस कोण के लिए अंतराभिमुख कोण ये दोनों हैं, इन दोनों का टोटल इसके बराबर होता है, तो ये प्रमेय इसमें लगेगी। तो हम यहां पे इजी करने के लिए ये एक्स मान लेते हैं, ए बी बराबर ए सी दिया है, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी ये होंगे, क्योंकि समान भुजाएं उनके सामने के कोण बराबर, अभी अभी आपको बताया था। और इसको बराबर x हमने मान भी लिया, लिख लीजिए माना x के बराबर। इससे क्या हुआ बच्चों, OBC कोण OBC बराबर होगा कोण OCB के, और वो क्या हुआ, प्रत्येक x बटे दो, प्रत्येक क्या हुआ x बटे दो। अब इससे क्या हुआ कि ये जो इसने MOC बोला है, कोण MOC वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, OBC प्लस कोण OCB, तो इसकी जगह हम x बटे दो प्लस x बटे दो बराबर x लिख सकते हैं।
और x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण एबीसी। इनमें समीकरण भी दे सकते हो आप लोग, ये समीकरण एक माना हमने, इसको समीकरण दो माना, समीकरण दो का इस्तेमाल हमने इसमें कर लिया, समीकरण दो का, ठीक है। तो अतः यहां एमओसी था और लास्ट में एबीसी आ गया, अतः हम लिख सकते हैं कोण एमओसी बराबर कोण एबीसी, और यही हमें सिद्ध करना था, दोनों एक्स के बराबर हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये एक्स तो कैसे हुआ था बेचारा, इन दोनों के योग से, आधा और आधा मिलके पूरा एक्स बन गया, और ये तो साक्षात एक्स दे ही रखा है। अब आप कहेंगे कि सर एबीसी क्यों लिखा एक्स की जगह पे, अरे बच्चों एसी भी लिख सकते थे, लेकिन सवाल की मांग एबीसी है, इसलिए हमने एबीसी लिखना ही उचित समझा। उतारिए, यस बच्चों अब हम 90वें सवाल की तैयारी कर रहे हैं, सवाल नंबर 9 ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 9 में एक चित्र दिया गया है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, हमें सिद्ध करना है, दो चीजें यहां पे सिद्ध करनी है। तो पहले आइए हम एक डायग्राम बना लें इसका, सवाल नंबर 9 ये कोण दिया गया है आप लोगों को और इस कोण का समद्विभाजक ये बीच में से जा रही है। एक्चुअली बच्चों टेंथ में एक चैप्टर है, 10वां चैप्टर, जिसका नाम है बिंदुपथ। उस बिंदुपथ में आप पढ़ेंगे कि किसी कोण का जो समद्विभाजक होता है उसका प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, ये उसी पे आधारित है ये बात कि यहां पे दूरी निकालने के लिए अगर हमने ये बी बिंदु लिया तो दूरी कैसे निकलती है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, लंब ड्रॉ किया जाता है, ये ध्यान रखना इस पे, और ये हमने इस पे लंब गिराया, ठीक है। नाम जो सवाल में दिए गए हैं उसके हिसाब से हम ले रहे हैं, ये इसका नाम L, यहां Q है और यहां P है और ये A बिंदु है, ठीक है। ये समद्विभाजक दिया गया है इसका, एक बार पुनः देख लीजिए, L कोण A को समद्विभाजित करती है, कोण A को समद्विभाजित करती है और कोई बिंदु B कोई बिंदु है किस पे, L पर, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर लंब डाले गए हैं, लंब जब डाले हैं तो इनको हम 90 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे को जो दर्शाना है, एक तो दोनों त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं, वो अभी हम लिख देंगे सिद्ध करने में, और सम दूरस्थ ये हमारा रिजल्ट निकालना है। आइए समझें, दिया है हमें क्या लिखना है, सिद्ध करना है हमें क्या लिखना है, उपपत्ति के पद कैसे आएंगे समझिए, और एक साथ इतने सारे सवाल हमने समझ लिए तो बच्चों आप लोगों को काफी कुछ हद तक ये समझ में आने लग गए होंगे। देखिए सवाल नंबर 9 में हमें जो दिया है कि यहां पे L कोण A का समद्विभाजक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे बीपी
लंब है एपी पे तथा बीक्यू लंब, ये उल्टा टी है ना बच्चों, ये लंब का निशान है एक्यू, ठीक है, ये हमें दिया है। समद्विभाजक में ये दोनों कोण बराबर आ गए, ये 90-90 आपको दिया है। सिद्ध दो पार्ट जो हमारे को करने हैं, वो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम त्रिभुज एक्यूबी, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड जो हमें सिद्ध करना है वो है बीपी बराबर बीक्यू, अर्थात बी बिंदु, जो बिंदु बी है ना वो दोनों भुजाओं से सम दूरस्थ है, ये मतलब हुआ बीपी बराबर बीक्यू का। अब आइए बच्चों कैसे करेंगे सिद्ध, उतारना बंद कर दीजिए, हम वक्त दे देंगे आप लोगों को उतारने का। जैसा आप लोगों को ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में आप लोग बच्चों पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप ही लगाओ, चलो उतार भी लो और दिमाग भी लगाइए कि कैसे इनको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, ये तो सीपीसीटी से निकल के आ जाएगा, सोचिए जरा। यस, सोचा क्या बच्चों? आइए इन दोनों त्रिभुजों को जो सर्वांगसम सिद्ध करना है, त्रिभुज ए पी बी एवं त्रिभुज ए क्यू बी में क्या क्या तीन बातें बराबर है, एक तो ये कोण बराबर है, कोण बी ए क्यू बराबर कोण बी ए पी दिया है, समद्विभाजक का जिक्र भी कर सकते हो चाहो तो, और नहीं तो दिया है भी लिख सकते हैं, और कोण पी बराबर कोण क्यू प्रत्येक 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री हो गया, ये भी दिया है। और अब जो कॉमन है ना बच्चों वो एबी, एबी बराबर एबी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ, तो जब ये कॉमन निकल के आ गया तो यहां सर्वांगसमता का नियम कौन सा लगा? हां हां, इसलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी हम लिख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हमने लिख दिया बच्चों। कुछ बच्चों को कहना है कि सर हमें दिख नहीं रहा क्लियर, कोई बात नहीं बच्चों, यहां से हटा लिया हमने, इधर इधर लिख देते हैं, तो आप तो बच्चों तकलीफ मत पाया करो, इधर लिख रहे हम, इसलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, ए क्यू बी, कारण कौन सा नियम लगा? ए ए एस नियम, क्योंकि एंगल अलग है साइड अलग है, ए ए एस नियम से। और ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट में तथा तथा बीपी बराबर क्या करना है हमारे को? बीक्यू, बीपी बराबर बीक्यू सीपीसीटी, बीपी बराबर बीक्यू सीपीसीटी, ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया बच्चों, दोनों पार्ट हमारे यहां प्रूव हो गए इन तीन चीजों से। अब बच्चों इसमें देखो, अगर आप बुक में देखेंगे तो दसवां सवाल तो छपा ही नहीं है, ग्यारहवां बारहवां दो सवाल बच रहे हैं, वो आप लोग स्वयं कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो। उतार लीजिए जल्दी से, तो आपने समझ भी लिया होगा, उतार भी लिया होगा बच्चों। तो हमारी क्लास नाइन्थ के लिए दीपावली से पहले की ये अंतिम क्लास थी, और अब हम आप लोगों के साथ में जो रूबरू होंगे दिवाली के बाद होंगे, तो आप लोगों को सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार बच्चों।